अरे चूहा कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो बड़ा खतरनाक नजर आ गया चूहा सांप एक साथ। देखिए वहाँ पे कोने कोने में आज का रेस्क्यू कॉल हमें आजमगढ़ जिले के सिधौना से आया है और यहाँ पर घर के अंदर कोई इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा यानी कि भारतीय नाग सांप देखा गया है। यहाँ के लोग हमारे वीडियोस देखते हैं तो ये सांप को पहचान रहे हैं, ऐसे में बिना वक्त गवाए हम लोग सांप को रेस्क्यू करने के लिए मौके पर आ चुके हैं। चलिए अच्छा इसको रखने दीजिए पहले। कहाँ नीचे है ना करकट करकट के ऊपर नहीं एक टॉर्च दे दी अंदर से लोग तो देख लेता नहीं ऊपर फिर वो हिसाब से निकलता है। अंदर से दिखा था कि बाहर से? अंदर से बाहर दोनों घरवा में से दोनों साइड से दिखा था। चलिए पहले दिखाइए दिखाइए टॉर्च बंद कर दीजिए। बहुत ही खतरनाक जगह पे है। चलिए अच्छा बाहर का देखते हैं बाहर से। चलिए बाहर से बताइए तो क्योंकि यहाँ से पूरा ऐसे हम सीढ़ी लगाएंगे तभी कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये बगलिया पूरा बाहर ही निकलने लगा है। जैसे फोटो जब हमें भेजे गए थे तो इधर से भी दिखा रहे थे। कपड़ा लेता वही यहाँ पे लगाए सीढ़ी टूटेगी नहीं ना? नहीं टूटी भैया चल जाए चलिए सीढ़ी अंदर लेके चलिए आप। चलिए बाहर ही साइड में एक मिनट रुक जाइए ऐसा करिए बांस निकालना पड़ेगा। हाँ? इसको निकालना पड़ेगा बस। हाँ अंदर से चलिए चलिए लगाइए थोड़ा पीछे लिए ठीक है लीजिए। और थोड़ा आगे करिए और आगे करिए बस ऐसे सीधा करिएगा थोड़ा। और कपड़ा लेके आएंगे क्या खराब नहीं टॉर्च काफी ज्यादा बड़े साइज का है और कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा बड़े साइज का इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा यानी कि भारतीय नाग सांप है जो कि इसके साथ छेड़छाड़ होने की वजह से अग्रेसिव हो गया है। इसके मुंह पे कुछ लाल लाल लगा है क्या देखिए मुंह पर बॉडी पे ये वाला। हाँ हाँ उसके मुंह कैसे देगा नीचे भी एकदम जो इसका मेन मुंह होता है उसके नीचे रेड रेड पूरा ऐसे लगा जैसे कुछ लाल मिर्च विर्च है क्या। कहाँ पर है?
तो बड़ा खतरनाक नजारा बिच हुआ सांप एक साथ। देख रहे वहाँ पे कोने कोने में देख रहे वो बन लेके बाहर वाले निकले कैसे ऊपर चली कर रही आपसे बच्चे क्यों देखकर आप लोग इसको पहचान रहे हैं। इनको दूध पिलाना चाहिए, इनका पूजा करना चाहिए, इनका पूजा करना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी सोच है कि मतलब आप लोग इनको पूजा के मतलब दृष्टि से देख रहे हैं। एक जान लीजिए बात, ये जो है एक तरह के जानवर हैं, ठीक। इनको पहले के पूर्वजों ने दूध पिलाने के लिए इसलिए बुलाया था कि जो है कोई इनको मारे नहीं, इनको भगवान का दर्जा दिया गया था। क्योंकि ये रहेंगे, ये हमारे पर्यावरण में रहेंगे, तभी जो है हम और आप रहेंगे, समझ रहे हैं ना। इसीलिए इनको आस्था से जोड़ा गया था कि कोई इनको मारे ना, कि उनके पास ना जाए। सारी जो भ्रांतियाँ फैलाई गई थी यही सब रीजन हुआ करता था। लेकिन आज जो है मतलब हम इंसान इतना ज़्यादा आबादी पॉपुलेशन बढ़ गया है कि हम लोग जगहों को छोड़ नहीं रहे हैं। सब जगह जो भीटा हुआ करता था, जंगल हुआ करता था, ऊसर हुआ करता था, सब जगह काट के घर बनाते चले जा रहे हैं और इनको देख रहे हैं तो बस। लेकिन क्यों मारेंगी बताइए, बस हमको यही बताइए क्यों मारेंगे आप। नहीं मारेंगे, आपका ये क्या बिगाड़ रहा है। नहीं कुछ नहीं, हम लोग तो आपके जगह मतलब हम लोग निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। आप लोगों से किसी से एक रुपया मांगते हैं? नहीं मांगते हैं। आप हमें कॉल करिए, थोड़ा समय लगता है पहुँचने में, एक घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा कहीं कहीं लग जाता है क्योंकि हर जगह जाना रहता है, तो थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना रहेगा। आपके वेट करने से इस बेजुबान की जान बच जा रही है, इसकी जान बच रही है तो बताइए आप लोग एक तरह का पाप करने से बच रहे हैं कि नहीं। बच रहे हैं ना। और ये दूध नहीं पीता है। और ये जान लीजिए कि ये दूध नहीं पीता है क्योंकि इनके शरीर में हड्डी नहीं रहता है। जिसके शरीर में हड्डी नहीं रहेगा वो नहीं धामन नहीं है, ये स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं इसको। हाँ स्पेक्टिकल कोबरा इंग्लिश शब्द है, हिंदी में इसको नाग बोलते हैं और लोकल भाषा जो है गेहूँ है, कहीं कहीं फिटार है, कहीं कहीं खरीस है, कहीं कहीं पलटू इसको कहा जाता है। इतने सारे नाम है इसके। अगर एक काट लगे तो हाँ तो। और दूसरी बात, अगर कभी भी आप लोगों को ये सांप काटता है तो आप लोगों को सीधा हॉस्पिटल जाना है, कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है। नहीं। क्या झाड़ फूक से कोई बचेगा? नहीं, नहीं बचेगा ना। आप क्या करते हैं अगर कभी इधर गांव में काटता है तो? नहीं, हम तो बम्बई में रहते हैं, वहाँ हॉस्पिटल में लोग देखते हैं। अच्छा वहाँ हॉस्पिटल में, वहाँ तो भाई सिटी है हॉस्पिटल। मित्र रहते हैं, लेके जाते हैं, बाई चांस आ जाते हैं। नहीं बाई चांस नहीं, जैसे काटता है तो मैं पूछना चाहता हूँ। तो हॉस्पिटल में लेके जाते, हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। यहाँ के लोग क्या करते हैं? हॉस्पिटल हॉस्पिटल ही ना। चलिए बहुत अच्छी बात है कि मतलब आप लोग भी अब हॉस्पिटल जराते नहीं है ना। चलिए बहुत अच्छी बात। चलिए दोस्तों अब इसको हम लोग पैक करते हैं, जंगल में छोड़ें इसको, जंगल में छोड़ें। इनको बचाइए, इनको मारिए मत आप लोग, क्योंकि अब इनकी प्रजाति विलुप्त हो रही है। नहीं माता जी, असड़िया नहीं है। और यहाँ पर हम लोग इस सांप को रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं जगह इसके लिए पूरी तरह से अनुकूलित है, यहाँ पर अच्छे ढंग से रह लेगा और अपनी बाकी की जिंदगी जी पाएगा। और आप देख सकते हैं जो सांप है वो काफ़ी तेजी से जंगल में अंदर की तरफ चला गया। आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।